सो कोनिचिवा गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्वल एनिमे टॉक्स। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 फैक्ट्स अबाउट फ्री डे ला होया के बारे में। सो फ्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो या लेट्स बिगिन विद फैक्ट नंबर 1। सो बेसिकली जो फ्री है उसे एक मशहूर अमेरिकन बॉक्सर जिसका नाम है ऑस्कर डे ला होया उसके नाम से बनाया गया है, यानी कि उसके ऊपर फ्री को डिजाइन किया गया है। एंड जो ऑस्कर डे ला होया है उन्होंने लगभग 11 वर्ल्ड टाइटल जीते है एज लाइक फ्री। फ्री भी जब बेब्लेड बर्स में आया था सबसे पहले तो उसे नंबर 1 ब्लेडर कहा जाता था, बट अभी उसको नंबर 1 ब्लेडर क्यों नहीं कहा जाता समझ जाओ अपने आप। फैक्ट नंबर 2। सो बेसिकली जो फ्री के पास ग्रीन वाला आर्म ब्रेस है सो उसको वो मिला था क्रिस्टीना की तरफ से, बिकॉज ऑफ जब जो फ्री है इन मांगा जब जो फ्री है वो दरअसल जब भी बैटल करता है एंड बैटल में जब भी सीरियस होते तो अपना वो हाथ चबाने लग जाता है एंड उसको अपने हाथ को बहुत ज़्यादा इंजरी कर देता है जिससे कि उसको ब्लीडिंग होती है। जी हाँ, लिटरली ब्लीडिंग दिखाई गई है इन मांगा में, एनिमे तो पता नहीं बिकॉज ऑफ बहुत सेंसर करते हैं एनिमे में, सो छोड़ो। सो ये सब देखकर जो क्रिस्टीना है उसने फ्री को ग्रीन आर्म ब्रेस दिया था ताकि जब भी वो अपना हाथ चबाए सो उसे कुछ ना हो। फैक्ट नंबर 3। सो बेसिकली जो फ्री है उसके बे की जो एबिलिटी है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसकी एबिलिटी स्टील स्पिनिंग है, मतलब कि वो बहुत ही मतलब अनलिमिटेड टाइम तक घूम सकता है, अगर वो कैसी भी स्पीड में हो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। सो फ्री की ये एबिलिटी बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, फ्री के बे की जो एबिलिटी है वो है एब्सॉर्प्शन। सो बेसिकली मैं किस प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, सो प्रूफ ये है कि अगर अपने बेब्लेड बर्स में फ्री के जितने भी बे होंगे, आप चाहे तो टर्बो ले लो या फिर एवोल्यूशन, यही खासकर ले लो, सो बेसिकली उनमें फ्री के बे के ऊपर दरअसल रबर्स लगाए जाते हैं एंड उस रबर्स में क्या होता है कि जब अगर कोई ब्लेडर अपने ब्लेड से फ्री के बे को टक्कर मारता है सो जो सारी पावर है वो रबर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन फ्री का भी उस पावर की मदद से घूमने लग जाता है एंड ऐसे जितनी बार टक्कर लगती रहेगी उसको उतनी पावर मिलती रहेगी एंड देन वो बहुत ही तेज़ी से स्पिन करने लग जाता है। सो बेसिकली यही एक प्रूफ एंड साथ उसके बेब्लेड में अभी एक नई डिस्क भी लगाई है जिससे कि वो फिर से और भी तेज़ी से लोगों की पावर एब्जॉर्ब कर ले एंड देन वो अपने बे को ज़्यादा से ज़्यादा घुमा पा सके। सो बेसिकली फ्री की जो उसके बे की जो एबिलिटी वो एब्जॉर्प्शन ना कि स्टील स्पिन, ध्यान में रख लेना। फैक्ट नंबर 4। सो बेसिकली बेब्लेड बर्स रेवोल्यूशन में जितने भी लोगों ने वॉल्ट एंड फ्री के जो सीन्स देखे होंगे उसमें सभी लोगों को यही दिखा हुआ कि जो फ्री है वो वॉल्ट से थोड़ा बहुत हाइटेड एंड थोड़ा बहुत उससे एज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, बट नहीं, बेब्लेड बर्स के क्रिएटर ने एक बार ट्विटर Q&A में, ये रिसेंटली ट्विटर Q&A था उसमें उन्होंने ये कहा था कि वॉल्ट एंड फ्री दोनों भी सेम एज के है ऑलमोस्ट। जी हाँ गाइस, उन दोनों की जो एज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर वॉल्ट 13 है तो फिर फ्री भी 13 होगा, अगर वॉल्ट 18 है तो फ्री भी 18 होगा एंड ये बहुत ही मतलब एक अलग सी बात है, मतलब जब ये Q&A के जो ये आंसर मैंने देखा था तब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, मतलब यार हाइट में कितना डिफरेंस है, बहुत कुछ ऐसा वैसा है बट फिर भी जो फ्री है वो वॉल्ट की एज का है। फैक्ट नंबर 5। सो बेसिकली जो फ्री का बे है ड्रेन फैफनियर उसको डायरेक्टली सिंगल लेयर वैलक्रिएट के डिज़ाइन से ही बनाया गया है एंड ये आपको देखने में भी बहुत ही मतलब एक कॉमन सी चीज़ है यार, डिज़ाइन देखो इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, इनमें कुछ भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, बिटबीस के जो चिप्स होते हैं उनके जो शेप्स होते हैं वो अलग है, बट बाकी सारे डिज़ाइन बहुत ही मतलब बिल्कुल ही सेम ही दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6। सो बेसिकली 2018 एंड 2020 के पॉपुलैरिटी पोल में बेब्लेड बर्स के फ्री डे ला होया सेकेंड नंबर पे आया था एंड फर्स्ट पे कौन है आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताना चाहिए, अगर सच्चे बेब्लेड फैन हो सब पता ही चल जाएगा। फैक्ट नंबर 7। सो बेसिकली जो फ्री डे ला होया है उसका बर्थडे आता है 11 नवंबर को, सो अगर आपको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है स्टेटस वीटस रखने तो रख लो, स्टोरी रख लो, चाहे तो मुझे भी टैग कर सकते हो। फैक्ट नंबर 9। सो बेसिकली जो फ्री का सबसे डेंजरस लॉन्च है वो है पावरफुल लॉन्च, मतलब कि पावर लॉन्च जो कि उसने बहुत बार यूज़ किया, आप चाहे वो एवोल्यूशन में हो या फिर टर्बो में, सो उसमें आप बहुत से बार आपने देखा होगा, बट उसका सबसे पावर लॉन्च तब था जब उसने 5 की मैच में वो लॉन्च किया था, वही सबसे पावर लॉन्च था। फैक्ट नंबर 10। सो बेसिकली जो फ्री है एंड जो लुई है इन दोनों में हमेशा फाइनल बैटल होती थी, तब जब जो वॉल्ट एंड शू तभी इतने कुछ खास बेब्लेडर्स नहीं थे, तब लुई एंड फ्री इन दोनों में फाइनल बैटल होती थी एंड उस टाइम पर हमेशा फ्री ही लुई के पे को डिस्ट्रॉय करता रहता था एंड सच सच जो फ्री है वो हमेशा बोर भी रहता कि मैं हमेशा लुई को हरा देता हूँ, सो उसके बाद जज्बात कुछ ऐसे बदल गए कि जो लुई है उसने ही एक बार फ्री को हरा दिया एंड देन
ब्लूई हमेशा आगे बढ़ता रहा इन टर्बो में। टर्बो तक तो वो बहुत ही अच्छा ब्लेडर बन चुका था इन वर्ल्ड बेब्लेड चैंपियनशिप्स। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा एंड टेक केयर। सबसे मेन